अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की आज 42वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरे देश में ब्लड कैंप जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 42वीं पुण्यतिथि है और आज पुण्यतिथि के मौके पर प्रयागराज में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पंजाब केसरी और प्रिमरोज शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में 17 लोगों ने ब्लड डोनेट किया और अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि भी दी। ये कैंप इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन सिविल लाइंस में आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। प्रयागराज में सुबह से लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी लोगों ने इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और काम के लिए आगे आए। वहीं ब्लड डोनेट करने आए लोगों का कहना है कि रक्तदान से बड़ा महादान कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हर व्यक्ति को एक बार जरूर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। आज के इस मौके पर अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को याद करते हुए सभी लोगों ने प्रण लिया कि वो आगे कई अन्य लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी, रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज पंजाब केसरी के लाला जी की 42 पुण्यतिथि है तो उसी के उपलक्ष में ये पूरा रक्तदान ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सके। जी, मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी के लिए अपना ब्लड डोनेट किया है तो मैं आज खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे वजह से किसी की लाइफ सेव हो सकती है। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा। क्या करते हैं सर आप? दरअसल डोनेट करने आए लोगों ने भी मुहिम की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि आज की इस मुहिम से वो काफी जागरूक हुए हैं और हर 3 महीने के बाद वो दोबारा ब्लड डोनेट करेंगे क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की आज 42वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरे देश में ब्लड कैंप जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज में और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 15 लोगों ने जो रक्तदान है वो किया है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से ही प्रयागराज में बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो डोनर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, आज के दिन के महत्व को समझ रहे हैं और उन्होंने जो रक्तदान है वो किया है। हमारे साथ यहाँ पर नीलेश हैं, हम उनसे नीलेश से बात करेंगे कि आज पहली बार आप यहाँ पर आए हैं और आप घबराए भी हुए थे, बारिश बहुत हो रही थी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, उससे तो मेरा पहली बार है लेकिन ब्लड देना अच्छी बात है, उससे भी ये रिसाइकल होता है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं और 3-3 महीने बाद आप अंतराल में दे सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को अगर उसका यूज होगा तो ये हमारे और आपके लिए सबसे बेहतर ही है। अच्छा, बारिश हो रही थी फिर जब पता चला कि यहाँ कैंप लगा है, लेकिन सर हम भीगते हुए आए हैं, हमको पता था कि 2 बजे तक कैंप उठ जाएगा फिर भी मैं थोड़ा सा भीगते हुए आया जल्दी में। ये सर तो देख सकते हैं कि ये युवा हैं और जोश जो है वो भी दिखाई दे रहा होगा और ऐसे में जो लोग हैं वो अब जो है बारिश के चलते धीरे धीरे वो ज़रूर आ रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो अब तक 15 लोगों ने जो है रक्तदान कर चुके हैं। ऐसे में आज के दिन प्रयागराज के साथ साथ अन्य ज़िलों में भी जो रक्तदान है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 से ज़्यादा ज़िले हैं, अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तराखंड में किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोग आज के इस दिन के महत्व को समझ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब की केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।